सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप MCERT एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो कर सकते हो। एंड इसके लिए गाइज आपकी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में गाइज जो भी क्वेश्चन के आंसर आप गेस करके टिक करोगे उनके आंसर्स राइट आने के कितने चांसेस आप बढ़ा सकते हो एंड कैसे बढ़ा सकते हो वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। साथ ही में कितने स्कोर पर आपको कौन से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं एंड क्या सेफ स्कोर रहेगा MCERT का वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो पता चल जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइस MCERT एग्जामिनेशन में इस साल कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है। पहले गाइस जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहती थी, लास्ट ईयर से जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटाई गई है। अब इसके कुछ एडवांटेज है एंड इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है गाइस कि अगर आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन के आंसर गैस वगैरह करते हो तो वहाँ पे कोई भी आपके नेगेटिव में जो मार्क्स है वो नहीं जाएंगे, जितना स्कोर आपका रहेगा उतना ही रहेगा एंड एक्स्ट्रा स्कोर भी आपको जो है वो मिल सकता है। बट इससे गाइस एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ है कि ओवरऑल गाइस जो कॉलेजेस के कट ऑफ्स है वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। यही अगर आप कट ऑफ्स 2 साल पहले देखोगे तो थोड़े कम देखने को मिलेंगे एंड पिछले साल से जब से मार्किंग नेगेटिव मार्किंग हटाई गई है तब से ओवरऑल जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसलिए गाइस आपको और भी जो अच्छा जो प्रिपरेशन है वो होना चाहिए ताकि आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाए। बट इसका फ़ायदा ये भी है कि आप गेस करोगे तो आपको और अच्छे जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है इस साल भी। टाइमिंग की बात करूँ गाइस तो 90 मिनट्स आपको जो है वो मिलेंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना होता है। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो होता है 2 मार्क्स का, तो पेपर का जो वेटेज है वो होता है गाइस 200 मार्क्स का। ठीक है, अगर हम पर क्वेश्चन टाइमिंग निकालें तो ऑलमोस्ट 0.9 सेकेंड्स आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन के लिए। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिनकी प्रिपरेशन नहीं होगी, उन्हें इतना टाइम जो है वो क्वेश्चन को पढ़ने एंड समझने में भी जो है वो लग जाएगा। तो ट्राई करो गाइस कि प्रिपरेशन अपनी जो है वो ऐसी करो ताकि आप कम से कम टाइम में अपने जो आंसर्स है वो निकाल पाओ, ताकि एग्जामिनेशन में कोई जो गड़बड़ है वो ना हो। एंड इसके लिए गाइस अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी तो आप जो है वो अच्छे से आंसर्स भी जो है वो निकाल पाओगे। अब देखो, अगर आप सोचोगे कि 90 मिनट्स में मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट सपोज़ इसी टारगेट को अगर आप कम कर देते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे 50 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड बचे हुए जो 50 क्वेश्चन है वो 40 मिनट में सॉल्व करना है, तो जो पहले 50 क्वेश्चन है उसमें से राइट आंसर्स आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज वहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दोगे। एंड इन 50 में से अगर आप मैक्सिमम राइट निकालते हो तो आपका स्कोर भी जो है वो अच्छा हो जाएगा। वही अगर आप 60 मिनट्स देते हो एंड ट्राई करते हो कि पहले 50 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो जिनके आंसर्स जो है वो आप राइट निकालने की मैक्सिमम कोशिश करोगे, तो यहीं पर अगर आप 40-45 क्वेश्चन राइट निकालते हो तो आपका स्कोर वहीं पर 90 के आसपास जो है वो हो जाएगा। एंड बचे हुए टाइम में आप गेस कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन मेथड वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिससे भी आपके जो आंसर्स है वो राइट निकलेंगे, जिससे ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग गाइज मैं तो आपको यही बोलूँगा, देखो मेनली 4 सेक्शंस होते हैं MCA के पेपर में। अब इसमें भी गाइज कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो कि आपका वीक पॉइंट होगा। ठीक है, बट अब मैं आपको ये बोलूँगा कि ट्राई करो 2 सेक्शंस तो भी ऐसे करो जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, जिससे गाइज आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे MCA के पेपर में जो कंप्यूटर कंसेप्ट वाला टॉपिक है इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। एंड ये जो क्वेश्चंस है गाइज अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो डायरेक्ट आप जो है वो टिक कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक या फिर सॉल्विंग वगैरह जो है वो करना नहीं है, बस MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, बस आपको जो है वो टिक ही करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस की होगी तो ईजिली यहाँ पे आप 20 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे एंड ये जो 40 मार्क्स है वो निकाल पाओगे, तो इसे आप जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो बना सकते हो। या फिर इंग्लिश कंप्रेशन में थोड़ा जो टाइम है वो ज़्यादा जाता है, तो मैथ्स स्टेटिस्टिक्स या फिर लॉजिकल रीजनिंग में से किसी एक को जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो बना सकते हो, जिससे होगा क्या कि सपोज़ अगर ये 2 भी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गए तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, 30 में से अगर आप यहाँ पे 20 या 25 अच्छे से सॉल्व कर लेते हो एंड यहाँ पे 20 में से 15 भी अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे 15 करते हो तो 30 मार्क्स तो यहाँ पे हो जाएंगे एंड यहाँ पे 25 करते हो तो ऑलमोस्ट 50, तो 80 मार्क्स यहाँ पे आपके बहुत ही ईजिली जो है वो
बन सकते हैं अगर आप दो भी टॉपिक्स को जो है वो मास्टर कर देते हो, एंड जो बचे हुए टॉपिक्स है वहाँ पे अगर क्वेश्चन ईजी लगते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हो या फिर गेस कर सकते हो। 50 क्वेश्चन गेस करते हो तो मिनिमम अगर हम एवरेज भी निकालें 10% मतलब 20% का भी, तो ऑलमोस्ट 10-15 तो आपके जो है वो राइट हो ही जाएंगे, एंड लकी रहेंगे तो 20-25 भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा ऐसे, बट अगर दो टॉपिक्स को अच्छे से करते हो तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलने के जो चांसेस है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे जो है वो याद रखना। अब गाइस देखो, जब आपके पास पेपर आएगा तो पेपर सॉल्विंग के भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। जैसे बहुत सारे लोग अपना पेपर जो है वो 3 स्टेजेस में सॉल्व करते हैं। पहले ट्राई करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि बहुत ही इजी है, एंड उनका जो आंसर है वो 100% राइट निकालने की वो जो है वो कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, एंड जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उनका कुछ आपको जो वैल्यू है वो मिलेगी, जो मार्क्स है वो मिलेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में ऐसे सॉल्व कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है या फिर यहाँ पे टाइम जाएगा बट आंसर निकल जाएगा। एंड फिर लास्ट स्टेज में आप जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वहाँ पे गेस वर्क करके जो है वो अपने आंसर्स को टिक कर सकते हो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी होगी। वहाँ पे टिक करोगे तो क्या पता मार्क्स मिल जाए, टिक नहीं करोगे तो वैसे भी 0 मार्क्स जो है वो मिलना है। बट देखो, पेपर में जो टाइम है वो 90 मिनट्स का ही है, तो अभी यहाँ पे आप ये सॉर्ट करोगे कि कौन सा ईजी है कौन सा टफ है। उससे अच्छा गाइस जो भी सेक्शन है, पहला सेक्शन जो भी रहेगा उस सेक्शन में जितने भी इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं ट्राई करो वो सॉल्व कर दो, एंड जितने भी बचे हुए हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। तो जब आपका पेपर एंड होगा तो ऐसे सोच के जाना कि जितना भी मैं सॉल्व करूँगा वो 60 या 70 मिनट्स जो है वो सॉल्व करूँगा, एंड बचे हुए मिनट्स मैं गेस करूँगा या फिर एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करके जो है वो टिक करूँगा, तो आपका पूरा जो पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मत करना कि लास्ट तक पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो एंड लास्ट 5 मिनट में 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन गेस कर रहे हो, तो उससे आपका लॉस ही जो है वो होगा, ठीक है। तो ऐसे आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपकी और कोई स्ट्रैटेजी होगी तो वो भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज मैंने कुछ सिचुएशंस बताई है, एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप गेस किए हुए आंसर्स को जो है वो राइट कर सकते हो। तो पहली सिचुएशन है गाइस 50-50% वाली, जिसमें आप अगर 50% भी पेपर सही से सॉल्व करते हो तो देखेंगे कितना स्कोर आएगा। तो अगर आप मैथ स्टैटिस्टिक में 15 क्वेश्चन, इसमें 15, इसमें 10 एंड 10 करते हो तो 50 क्वेश्चन के अगर आप सही आंसर निकालते हो गाइस तो 100 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। एंड फिर जो बचे हुए गाइस 50 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें अगर आप गेस भी करते हो तो मिनिमम अगर हम पकड़ते 10 क्वेश्चंस भी अगर हम पकड़ते जो कि आपके राइट निकलेंगे तो इसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो आपका 120 प्लस जो स्कोर है वो इजीली जो है वो हो जाएगा, एंड 10 से ज़्यादा ही जो आपके आंसर्स है वो राइट निकलेंगे यहाँ पे, बिकॉज 4 ही ऑप्शंस रहेंगे। एमबीए सीटी के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे गेस करना जो है वो और भी टफ हो जाता है। तो एमसीए में थोड़ा ईजी है, जिसका फ़ायदा आप जो है वो उठा सकते हो, ठीक है। वही सेकेंड सिचुएशन में अगर आप कोई दो टॉपिक को मास्टर करते हो, जैसे यहाँ पे मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है, तो यहाँ पे आप 80 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे कम भी किए तब भी आप यहाँ पे 64 क्वेश्चंस अगर सही सॉल्व करते तो 128 के आसपास ले सकते हो मार्क्स। एंड फिर बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे यहाँ पे 36 बचेंगे, तो इनमें अगर आप जो भी गेस करोगे तो 8-10 जो भी राइट आंसर होंगे उनका भी स्कोर आप ऐड करोगे तो 140-150 प्लस भी आप जो है वो ईजिली जा सकते हो। तो ऐसा सोचो कि हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जिनके आंसर्स राइट निकलेंगे ताकि आपका स्कोर बने, एंड फिर उसके बाद गेस करो, नहीं तो पेपर पूरा गेस ही करोगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस के आंसर गेस करना है ताकि गेसिंग में भी हमारे जो आंसर्स है वो राइट आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, मैं सभी को बोलता हूँ कि जो भी पेपर दो उसकी एक फॉर्मूला बुक या फिर जो भी शॉर्टकट बुक है वो बना के रखो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम हमें जो है वो रिवाइज करने के लिए कोई चीज़ें रहे, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम थोड़ी वीडियोस खोल के पूरा वीडियो देखोगे या फिर पूरा टॉपिक पढ़ोगे। तो एक बुक बना लो जिसमें जो भी मेन चीज़ें आप सीख रहे हो वो लिख के रखो, ताकि एग्ज़ाम टाइम या फिर 2-3 दिन पहले सारी जो चीज़ें हैं वो आप इजीली जो है वो रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रिक यही है गाइस कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबो या फिर नन ऑफ द अबो ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इनमें से गाइस ऑल ऑफ द अबो के आंसर राइट रहने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, तो इस टाइम पे आप इसे जो है वो टिक कर सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी राइट रहने की जो है वो ज़्यादा रहती है। फिर सेकेंड ट्रिक है एलिमिनेशन मेथड, जिसका मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, एंड आपके 4 ही ऑप्शंस रहेंगे तो इजीली इसमें आप जो यूज़ है वो कर सकते हो। सपोज़ अगर आपको एक क्वेश्चन आया जिसमें से
आपको आंसर सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो नहीं पता है, बट आप समझ सकते हो कि इसके आंसर्स जो है वो किस टाइप से रह सकते हैं। तो उस टाइम में गाइज आप जो भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस है तो उसमें से ऐसे आंसर्स जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि यार ये तो जो आंसर है वो बिल्कुल नहीं रह सकता है, एंड ये भी आंसर बिल्कुल नहीं रह सकता है, जो भी है इन दोनों में से रहेगा। तो इसमें से गाइज अगर आप गेस करोगे तो 50-50 चांसेस रहेंगे आपके आंसर राइट निकलने के, बट वही अगर आप चारों में से रैंडमली गेस करोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो और भी कम हो जाएगी। तो इसका यूज़ आप ज़रूर कर सकते हो, एंड इससे भी गाइज काफ़ी सारे जो राइट आंसर्स है वो आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है गाइज एक्सट्रीम वैल्यूज, जिसमें गाइज ऐसा क्वेश्चन आता है एंड एक चार ऑप्शंस रहते हैं जिनमें से एक ऑप्शन ऐसा रहता है जिसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रहती है एंड जिसके आंसर के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ को गाइज आप जो है वो कट कर सकते हो, एंड जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनमें से फिर गाइज जो है वो गेस कर सकते हो। तो इससे भी आपके राइट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, थोड़ा ध्यान देना ऑप्शन जब भी आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएगी, एंड फिर आप इनका जो यूज़ है वो कर सकते हो। एंड फिर लास्ट ट्रिक रहेगा ये सिमिलर वैल्यू सिमिलर ऑप्शंस, जिसमें हमेशा ऑप्शंस में कुछ वैल्यूज़ जो है वो सिमिलर होती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है प्लस माइनस या फिर दो ऑप्शंस का। जैसे यहाँ पे 30-30, तो मैक्सिमम टाइम्स ऐसी ऑप्शंस राइट होने के जो है वो चांसेस रहते हैं, बस इसमें से आपको एक जो है वो गैस करना पड़ेगा। एंड फिर ऐसे भी कुछ रहते हैं कि ये करो क्या बोलते हैं उसे रीअरेंज वगैरह करो, तो वहाँ पे फिर पहले दो जो है वो सेम रहते हैं एंड आखिरी के दो डिफरेंट रहते हैं, बस उसमें से हमें चूज़ करना होता है। बाकी अगर आप कट करोगे तो यहाँ पे भी आपकी राइट आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो कर सकते हो, एंड सपोज़ अगर ये सारी चीज़ें जो है वो आपके काम नहीं आती है, चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आ रही है, तो गेस करके तो आना ही आना है, ठीक है। पूरा पेपर छोड़ोगे तो वैसे भी 0 ही मार्क्स मिलेगा, उससे अच्छा गेस करो, जय माता दी बोल दो, जो बोल दो, एंड टिक करके जो है वो आ जाना। बट वो ये सारी चीज़ें करने से पहले इनका यूज़ करके देखना, अगर काम में आता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप कोई भी आंसर जो है वो टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा इसमें आपको जो सेफ स्कोर है वो भी बता देता हूँ। अब देखो गाइज जो MCA CET है, अब यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग के टाइम देखोगे तो जो नंबर ऑफ़ कॉलेज है वो 100 या फिर 115 के आसपास है, जिसमें भी जो मेन मेन रीजन्स है वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस है, बाकी रीजन्स में अच्छे कॉलेजेस इतने ज़्यादा नहीं है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक ठाक स्टूडेंट्स होते हैं बट कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। तो अगर आपको एक टॉप रेंज में जाना है तो 140-150 प्लस मार्क्स स्कोर आपको करना पड़ेगा, तब आप टॉपर वाली रेंज में जो है वो जाओगे। अगर आपको बीच में आना है तो 120-140 कर सकते हो। अगर आपको ठीक एवरेज स्कोर करना है तो 100 प्लस भी करोगे तो एक कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बट इसके नीचे जाओगे तो फिर मनपसंद जगह पे आपको जो कॉलेज है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली मुंबई में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे अगर आपको मुंबई में एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एडमिशन जो है वो मिल पाएगा, ठीक है। कॉलेजेस की बात करूँ तो मुंबई में अच्छे कॉलेजेस है बट नंबर्स जो है कॉलेजेस का वो कम है, जैसे VGTI है, फिर सरदार पटेल है, फिर पुणे का डिपार्टमेंट है, पिंपरी चिंचवड़ है, विवेकानंद, ये कुछ अच्छे कॉलेजेस है। इसके अलावा लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, जो कि मैं आपको दूंगा लिस्ट काउंसलिंग के टाइम रिजल्ट लगने के बाद, तो उससे आपको समझ में आएगा, एंड बताऊंगा अभी कि कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कितना कट ऑफ डिटेल में जाता है, कैसे कट ऑफ पढ़ना है। बट अभी के लिए ये जान लो अभी रिजल्ट लगने का है, अभी पेपर बाकी है, तो आपके हाथ में चीज़ें हैं, ट्राई करो इन कॉलेजेस में से टॉप 10 तो भी जाओ, बिकॉज टॉप 10 में भी ऐसे कॉलेजेस कुछ है जहाँ पे प्लेसमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर आप सोच ले लो कि टॉप 10 के नीचे जो हाल है वो क्या होगा। तो ट्राई करो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा स्कोर करो, ताकि आपको आगे जाके कॉलेजेस मिलने में ज़्यादा परेशानी जो है वो ना हो, बिकॉज MCA में परेशानी होती है बिकॉज नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम है, एंड फिर कुछ ही स्पेशलाइज्ड कॉलेज है, बाकी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ पे MCA का स्कोर जो है स्कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट के बाद, बट अभी के लिए यही जान लो कि जितना हो सकता है उतना अच्छा प्रिपरेशन करो, बिकॉज रिजल्ट लगने के बाद फिर आपको चांस नहीं मिलेगा, एंड फिर सभी लोग यही बोलेंगे कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है। 70 मिलेंगे तो 70% वाला कॉलेज आपके लिए अच्छा हो जाएगा, एंड जिसको 90 मिलेंगे वो बोलेगा कि नहीं 90 के आसपास वाले कॉलेजेस चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, जैसा स्कोर रहेगा वैसे कॉलेज आपके लिए लोग बोलेंगे कि यार तेरा स्कोर इतना है तो इतने पे तो यही अच्छा है, ठीक है। तो वो चीज़ से बचने के लिए ट्राई करो, अच्छा स्कोर करो, ताकि जो कॉलेज आपको चाहिए वो जो है वो ईजिली मिल जाए। बाकी गाइज मैंने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो ज्वाइन कर सकते हो। ट्राई करूँगा वहाँ पर मैं आपके लिए फ्री मटेरियल डालूँ, ताकि आप एग्जामिनेशन की जो है वो प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।